हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं JD टेक्निकल। दोस्तों, आज हम आप सबको बताने वाले हैं, अगर आप Realme 5 के यूज़र हैं या Realme 5 का फ़ोन ले चुके हैं या फिर Realme 5 को लेने सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक अपडेट लेकर के आया हूँ Realme 5 की तरफ से। अगर Realme 5 का आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि Realme कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था वो, और लॉन्च होने के बाद अब उसका पहला सिक्योरिटी पैच आया हुआ है, जो कि Realme 5 के पहला सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर के कुछ लीक्स कुछ बातें आई हुई हैं, जो कि अभी सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। Realme का रोल आउट हो गया है आपका सॉफ्टवेयर और Realme 5 के लिए। अगर आप Realme 5 का स्मार्टफोन यूज करते हैं तो एक खबर आपके वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, कैसे आपको अपडेट करना है Realme 5 को और Realme 5 सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से अपडेट करना पड़ेगा, इस एड्रेस में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो वीडियो को करना लाइक, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं आप। मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी सब आप जानते ही हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो Realme का पहला सिक्योरिटी पैच लॉन्च हुआ है, जो कि अगस्त का सिक्योरिटी पैच है, जो आज आ चुका है आप लोगों के लिए। ये रोल आउट कर दिया गया है। अगर आप Realme 5 के यूज़र हैं या स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो अगर आपको अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा तो आप चिंता की कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि Realme 5 ने अभी जस्ट ही लॉन्च किया है Realme 5 का रोलिंग आउट सॉफ्टवेयर अपडेट। इसका फॉर्मवेयर आपको मैं बता दूंगा, इसका फॉर्मवेयर क्या है और आप फॉर्मवेयर को कहाँ से लॉन्च करें। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप सीक्रेट सेटिंग बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर सेटिंग बॉक्स में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको अपडेटिंग के लिए दिया जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए आप क्लिक करेंगे तो वहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे। तो वहाँ जैसे आप सॉफ्टवेयर बात हो गई सॉफ्टवेयर अपडेट करने की, अब इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, ये सारे बातें को मैं डिस्कस कर बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपको कैमरा क्वालिटी में बहुत सारे फीचर अवेलेबल होंगे। अगर इम्प्रूव किया जाएगा इसमें कैमरा क्वालिटी, अगर आपकी कैमरा क्वालिटी 12 मेगापिक्सल कैमरे को इम्प्रूव किया जाएगा, जो कि बहुत सारे इम्प्रूव करने के बाद आपको क्वालिटी में भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। जब भी आप अपने मोबाइल को अपडेट करेंगे, जैसे ही अपडेट करके बूट करेंगे, तो आप नए फीचर्स आपको मिल जाएंगे इसमें, कि आपको अगर आप व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग को भी देखा जाएगा इसमें, वीडियो कॉलिंग इसके रिजर्वेशन को भी बढ़ाया जाएगा इस सिक्योरिटी पैच के अनुसार, और इसमें कैमरा क्वालिटी इम्प्रूव की जाएगी। और इसमें अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप में और मैसेंजर में अगर वीडियो कॉलिंग करते हैं तो अच्छा कॉलिंग नहीं आ पाता है, तो इसको भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा और इस सारे फीचर्स को इम्प्रूव और बहुत सारे फीचर्स में जुड़ जाएंगे इस सिक्योरिटी, क्योंकि ये Realme का पहला और फर्स्ट सिक्योरिटी पैच है आप सबके। तो Realme 5 का पहला सिक्योरिटी पैच आप सबके लिए मिल चुका है। तो अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो सेटिंग बार में जाइए, वहाँ चेक कीजिए और अपडेट कीजिए। दोस्तों, अब अपडेट हो गई। अब बताता हूँ कि इसमें अब मेन चीज़ आपको क्या है। तो आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं अपने फ़ोन की, तो आप अपने बैटरी को फुल चार्ज कर लीजिएगा। अगर बैटरी फुल रह जाए फिर भी आपको मिनिमम 50% बैटरी उसे चार्ज करना चाहिए, क्योंकि इसकी साइज जिस Realme 5 में बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट की, जिसका फॉर्मवेयर आया है नया लॉन्च हुआ है सॉफ्टवेयर का Realme 5 का, वो फॉर्मवेयर है 300 MB का। अगर 300 MB के लिए आपके पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं रहा, जैसे कि अगर कभी आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं या फिर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो अगर आपका नेटवर्क बीच में कट जाता है तो फाइल रुक जाती है, यानी कि वहाँ पर स्टॉप हो जाती है, तो उस जरिए मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाएगा या फिर कोई फाइल डाउनलोड नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके पास फुल नेटवर्क या अच्छा नेटवर्क क्वालिटी नहीं है, तो अपने किसी दोस्त या किसी पड़ोसी के साथ में लिए रहेगा जिसका नेटवर्क सही हो, उनसे कहिए भैया थोड़ा मुझे वाईफाई दे दे, वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा। वाईफाई कनेक्ट करके आप इस स्मार्टफोन को अपडेट कर लेंगे अपने स्मार्टफोन को, तो अपडेट करने के बाद बैटरी चार्ज रहेगी और साइज जो होगा, और अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो आप उसे कई बार बैटरी चार्ज करने पाए आप अपडेट कीजिएगा, तो नेटवर्क अवेलेबल रहेगा, सब चीज़ अवेलेबल रहेगा, तो आपकी इंप्रूवर क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। एक बार अपडेट करके देखिए क्या आता है आपको सिक्योरिटी पैच। और चलिए कुछ अपडेट्स आपको Realme 5 की तरफ से, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, दोस्त के लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अपडेट्स आते हैं तो आप मेरे अपडेट्स को लेकर कभी भी आपको मिस नहीं कर पाएंगे अपडेट्स को, तो बेल आइकन प्रेस किए जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी, तो आप पहले मेरे वीडियो को वॉच कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के बस इतना ही, मिलते हैं नए के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।